आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस आज का हमारा लेक्चर रहेगा एमसीक्यूज ऑन जम्मू एंड कश्मीर दीज आर बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिफरेंट सीबीटी एग्जाम्स है उनसे हमने उठाए हैं सेकंड थिंग इज डायर जो आपने जे एंड के वाला पोर्सन है सिलेबस में उसमें चाहे वो हिस्ट्री हो इकोनॉमी हो जियोग्राफी हो क्रॉप्स हो उन सबके रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए क्वेश्चन को देखेंगे ऑप्शन को भी सीखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ इस टॉपिक को फुल्ली रिवाइज करेंगे फॉर योर एग्जाम बिना टाइम वेस्ट करें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज लच्छा एंड गुच्ची आर द फेमस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसिज दैट देर इज द प्रोमिनेट इन्ग्रीडियंट ऑफ कश्मीरी क्विजीन देखो यहाँ पर कह रहा है कि लच्छा और गुच्ची किसकी फॉर्म है क्या ये कार्डिम की फॉर्म है क्या ये सेफ्रॉन की फॉर्म है सिनामन की फॉर्म है या टर्मरिक की फॉर्म है तो ये किसकी फॉर्म है सेफरॉन की फॉर्म है ठीक है सेफ्रॉन जो केसर पाया जाता है ये उसकी फॉर्म है देखो तीन फॉर्म है इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है जो सेफरॉन की है एक है लच्छा एक आ गया गुच्ची और तीसरी कौन सी है मोंगरा ठीक है ये तीन फॉर्म्स जो हैं ये तीनों फॉर्म्स किसकी हैं सेफ्रॉन की और पेपर में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं नेक्स्ट जब हम सेफरॉन की खेती करते हैं ना इसको हम बोलते हैं गोल्डन हार्वेस्ट क्या बोलते हैं गोल्डन हार्वेस्ट तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है एग्जाम में तो आप इसको ध्यान से लिख लो कहीं पे पेन डाउन कर लो कि जब हम सेफरॉन की कल्टीवेशन करते हैं उसको बोलते हैं गोल्डन हार्वेस्ट अब जो सेफ्रॉन है उसमें लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा रीजन है तो जो पेम्पोर रीजन है ना पेम्पोर रीजन है जो जिसको हम सेफरॉन टाउन भी कहते हैं इसको सेफरॉन टाउन भी कहते हैं ये जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका सेफरॉन का और सेफ्रॉन किश्तवाड़ एरिया में भी पाया जाता है जम्मू डिवीजन की तो ये कुछ चीजें आप सेफरॉन के लिए याद रख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन इंडियन एग्रीकल्चर इज नोन एज गोल्डन जेस्ट तो यही क्वेश्चन में अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि किस एक्टिविटीज को इंडियन एग्रीकल्चर में गोल्डन येस्ट कहते हैं तो ये किसको कहा जाता है मेज कल्टीवेशन को राइस सेफ्रॉन या जूट तो ये सेफ्रॉन की कल्टिवेशन को बोला जाता है गोल्डन जेस्ट कह लो गोल्डन हार्वेस्ट कह लो ठीक है तो इस चीज को आपने याद रखना क्वेश्चन पे मूव करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड ठीक है तो किस डिस्ट्रिक्ट में गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है इज इट बाडीपुरा डिस्ट्रिक्ट बारामूला डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट और गांबल डिस्ट्रिक्ट तो जो हमारा गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर लोकेटेड है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आपने याद रखना है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में मेनली तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है इंपॉर्टेंट एक आ गई सेकंड सेकेंड इज लच्छीपोरा लच्छीपोरा एंड देन गुलमर्ग ठीक है तो गुलमर्ग तो बारामूला में ही है तो नाम से ही पता चल गया और लिंबर और लच्छीपुरा ये भी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ही इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं आपने याद रखनी देखो मैंने जे की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क फ्लोरा फना और बहुत सारी चीजों के रिलेटेड जो है वन शॉट वीडियोज लाई हुई हैं आप उन वीडियोज को जरूर देखना एग्जाम से पहले उसमें बहुत सी एडिशनल इफॉर्मेशन प्लस एमसीक्यूज भी हैं आपको फुल्ली प्रिपेयर हो जाएगा आप जे की प्ले में जाके जरूर देखना ये सब मैंने कवर करा हुआ है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सबसे बड़ी कौन सी है

तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा श्रीनगर एंड पुलवामा ठीक है अगर हम डचिंगम नेशनल पार्क की बात करें इसका एरिया जो है 141 स्केयर किलोमीटर के अराउंड है स्केयर किलोमीटर है 141 स्केयर किलोमीटर इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1981 में देखो जेंट के में चार नेशनल पार्क हैं ये याद रखना चार नेशनल पार्क हैं जेंट के में एक आ गया डचिंगम नेशनल पार्क इसको 1981 में डिक्लेयर किया एक आ गया किश्तवाड़ नेशनल पार्क एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क है एक काजी नाग नेशनल पार्क है जो बारामूला में है ठीक है और एक हमारे पास कौन सा है सलीम अली नेशनल पार्क तो ये चार नेशनल पार्क हैं जे के में आपने याद है उसके साथ बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं और कौन सी बड़ी कौन सी छोटी ये सब मैंने कवर किया अब डचिंगम नेशनल पार्क इसके लिए फेमस है तो हैंगुल जो हमारा यूटी एनिमल है उसके लिए फेमस है हैंंगुल के लिए हैंंगुल का कई बार पूछ लेते हैं साइंटिफिक नेम तो सर्वस हैं सर्वस एलिफस हैंगलू

समर समर सीजन सीजन को को किसको बोलते हैं मैंने आपको बता दिया ऑटम को बोलते हैं वांदा विंटर को बोलते हैं ठीक है विंटर को और अगर आइस कोल्ड विंटर बहुत ज्यादा ठंड जब पड़ती है जो आइस कोल्ड विंटर्स होते हैं उनको बोलते हैं शिशुर क्या बोलते हैं शिशुर ये या आपने याद रखना है ठीक है उसके बाद रेनी सीजन को क्या बोलते हैं वहारत रेनी सीजन को बोलते हैं वहारत ठीक है ये क्वेश्चन ना हर एक शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन आपको इनके रिलेटेड दिखेगा तो ये या आपने याद रखना है कि ऑटम सीजन को क्या बोलते हैं हरुद, बोलते हैं स्प्रिंग को ग्रीष्म या रेतकुल समर को वांदा बोलते हैं विंटर को आइस कोल्ड को बोलते हैं शिशुर और रेनी सीजन को बोलते हैं वहारत ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर देखो जे के में अगर आपने देखना है तो इंपॉर्टेंट इंडस रिवर सिस्टम आपने देखना है ठीक है इंडस रिवर सिस्टम में पांच मेजर रिवर्स आ जाती हैं कौन कौन सी आ जाती हैं जैसे झेलम हो गया चिनाब हो गया रावी हो गया ब्यास हो गया सतलुज ये पांच मेजर रिवर्स हैं जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं बट इसको छोड़ के और भी बहुत सारी रिवर्स हैं तो वहाँ यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सी जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी इंडस की रंबियारा शोक विश्व या दूध गंगा तो बेसिकली जो शोक रिवर है ना शोक रिवर इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है तो आपने इंडस रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट रिवर है ठीक है इंडस रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है तिब्बत से ओरिजिनेट होती है शोक रिवर क्या ऐड में में करता है वाटर शोक रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है नुब्रा रिवर नुब्रा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है शोक रिवर की तो ये आपको रिवर सिस्टम मैंने एक्सप्लेन करा था एमसीक्यूज के थ्रू रिवर्स एंड लेक्स वाला टॉपिक है आपके सिलेबस में है आप उसको भी देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डिविजन ऑफ डल लेक इनमें से कौन सी डिविजन है डल लेक की देखो डल लेक को ना चार बेसेंस में डिवाइड किया गया है ठीक है चार बेसेंस है डल लेक के हमें बताना इनमें से कौन सी एक डिवीजन है नगीन लेक हानले शो लेक मानसर लेक शोकर लेक ठीक है तो नगीन लेक एक डिवीजन है डल लेक तो चार डिवीजन है डल लेकिन हम चारों देख लेते हैं देखो एक आ जाती है घगरीबल ध्यान से देखना एक आ जाती है घगरीबल सेकेंड इज लोकुदल लोकुद, धल, लोकुद धल, एक आ जाती है बुद्धल और एक आ जाती है नगीन लेक तो ये चार आपने याद रखना ये चार क्या है चार बेसेंस बनाते हैं डल लेक का अब डल लेक क्या है डल लेक एक इंपॉर्टेंट लेक है इसको लेक इन द क्रोन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं लेक पार एक्सीलेंस भी कहा था इसको डब्ल्यू आर लॉरेंस ने तो मैंने जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाली लेक्चर कवर करा था ना उसमें ये कवर करा था और एक लेक्स वाला लेक्चर भी है जे को डेडिकेटेड तो आप उनको देख सकते हो एमसीक्यूज में और बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने वहां पर प्रोवाइड करी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं इज द अदर नेम ऑफ हिमाद्री माउंटेन रेंज तो हिमाद्री का दूसरा नाम क्या है ग्रेट हिमालय लेसर हिमालयस पूर्वांचल या आउटर हिमालय तो हिमाद्री जो है वो पार्ट है किसका ग्रेट हिमालय तो हिमाद्री को ही हम ग्रेट हिमालय कहते हैं देखो अगर मैंने आपको इंडिया का मैप लेके समझाया था ये फिजिकल एंड पोलिटिकल डिविजन वाली वीडियो में देखो अगर ये हमारा प्यारा भारत है ये जे के वाला पोर्शन है तो देखो सबसे ऊपर आ जाता है हमारे पास काराकोरम रेंज फिर लद्दाख रेंज यस्कर रेंज तो ये सारा ट्रांस हिमालय का पार्ट है ठीक है उसके बाद हमारी एक इंपॉर्टेंट रेंज स्टार्ट होती है जिसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय यही आगे जाके नेपाल में माउंट एवरेस्ट वगैरह इसी में आ जाता है ठीक है ग्रेट हिमालय इसको बोलते हैं हिमाद्री भी कहते हैं उसके बाद हमारे आ जाते हैं मिडल हिमालय उसके बाद आ जाते हैं हमारे आउटर हिमालय जिनको लोअर हिमालय भी कहते हैं आउटर हिमालय शिवालिक्स इसका पार्ट है ठीक है तो ये कुछ हमारी फिजिकल डिविजन्स आ जाती है आपके सिलेबस में मैंशन है आपको इनको कवर करना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हाईगम वेटलैंड रिजर्व इज लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देखो मैंने एक आपके लिए लेक्चर लाया था रामसर साइड का तो वेटलैंड रिजर्व की रिसेंटली हाइगम और शालबुग जो जे एंड के इंपॉर्टेंट वेटलैंड थे उनको रामसर साइट्स में भी डिक्लेयर करा गया तो इंडिया की टोटल रामसर साइट 75 फाइव गई थी ठीक है उसमें क्या क्या एडिशन हुई थी क्या नहीं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में इन्वॉयरमेंट इकोलॉजी और बायडावर्सिटी वाला टॉपिक भी है वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जे के में भी ये पार्ट बनाता है जे की का के का सो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हमने बताया यहाँ पे हाइगम वेटलैंड जो है रिजर्व वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है जम्मू कश्मीर की ठीक है पुलवामा शुपैया अनंतनाग या बारामूला तो कहां पर लोकेटेड है बारामूला में इसी तरह शालबुग भी है ठीक है उसके बाद हमारे पास मानसर सुरिनसर है तो डिफरेंट जो है वेटलैंड हैं जिनको रामसर साइड में डिक्लेयर किया गया है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं गोल्डन डिलीशियस इज अ वाराइटी ऑफ देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि अगर एप्पल है पियर है ठीक है एप्पल है पियर है सेफ्रॉन है उनकी वैरायटीज के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं तो उनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है अब पूछा है कि गोल्डन डिलीशियस किसकी वैरायटी है किस फ्रूट की वैरायटी है जो जम्मू कश्मीर में कैलकुले कल्टीवेट होती है पियर की पीच की प्लम की या एप्पल की ठीक है तो गोल्डन एंडिशियस एप्पल की वैरायटी का नाम है देखो एप्पल की बहुत सारी वैरायटी है पहले तो एप्पल का साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए इसका साइंटिफिक नेम होता है मेलस डोमेस्टिका ठीक है मेलस डोमेस्टिका इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है एप्पल की वो जे में ही होती है ठीक है और इसमें बहुत सारी जे में बहुत सारी टाइप्स ऑफ एप्पल ग्रो किए जाते हैं जैसे एक हो गया अमरी ठीक है ये आपने याद रखना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक हो गया अमेरिकन ट्रेल अमेरिकन ट्रेल ये भी यहां पर ग्रो होता है एक होता है सुनहरी सुनहरी भी ग्रो होता है एक हम बात करें शालामार भी ग्रो होता है ये भी सारे एप्पल की वैराइटीज़ हैं तो आपको ये पता होना चाहिए शालामार भी यहाँ पर ग्रो करते हैं हम एक डिलीशियस डिलीशियस तो यहाँ पे कवर हो गया गोल्डन डिलीशियस एप्पल की वराइटी है एक महाराजी महाराज जी भी होता है और एक केसरी भी होता है ठीक है केसरी भी होता है ये सारी क्या है ये एप्पल की वैरायटीज हैं जो जम्मू कश्मीर में ग्रो ग्रो की जाती हैं अमरी अमेरिकन ट्रेल सुनहरी शालामार महाराज जी केसरी और गोल्डन डिलीशियज आपने याद रखना नेक्स्ट घराना जो है इस वेटलैंड रिजर्व लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो जो घराना वेटलैंड रिजर्व है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू और कश्मीर की रियासी बारामूला जम्मू या रामबन तो ये जम्मू में है ठीक है घराना वेटलैंड कहाँ पर है जम्मू में है अब आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर याद रखनी है जैसे आपको जैसे वेटलैंड रिजर्व पूछा गया ना कई बार ना जम्मू की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पूछ ली जाती है कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जम्मू में तो आपने याद रखना जैसे नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया वो जम्मू में है रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो जम्मू में है और एक हमारी मानसर सुरिंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना इसके लिए कंफ्यूजन हो जाती है कि ये कहाँ पर है तो मानसर सुरिंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जब बात करें ना तो वो उधमपुर में भी उसका रीजन आता है उधमपुर में भी आता है याद रखना सांबा में भी उसका रीजन आता है और जम्मू में भी आता है तो इस इसको आप ऐसे याद रख सकते हो तो और हमने क्या सीखा अभी एक तो सीखा कि घराना वेटलैंड रिजर्व जम्मू में लाई करता है प्लस नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया रामनगर ये भी जम्मू में है इसी तरह जैसे जसरोटा की बात करें वो कठुआ में है तो ये मैंने सभी कवर करी हुई है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी कहां पर लोकेटेड आप देख रहे हो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं तो आप इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो जम्मू एंड कश्मीर की जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है उसमें कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है नंदनी ताराकरम छंगतंग या जसरोटा तो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो लोकेट है कहां पर है डेट इज जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ठीक है ये ये पूछा जाता है कई बार ये कौन सी रिवर के किनारे है तो उज्ज रिवर के किनारे है ठीक है उज रिवर के बैंक में है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने ये याद रखना नेक्स्ट बाल्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो नोन है बाल्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दूसरा नाम क्या है तो ये मैंने आपको बताया था बाल्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दूसरा नाम है थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या नाम है थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है गांधरबल में कहां पर है गांधरबल में ये चीज आपने याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आफ्टर पासिंग थ्रू श्रीनगर द रिवर झेलम फ्लोज इन टू विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स जब श्रीनगर को क्रॉस कर लेती है तो उसके बाद रिवर झेलम रिवर जो है जो एक इंपॉर्टेंट रिवर है आपको पता है जम्मू कश्मीर की और वो किस में किस लेक में मिल जाती है शेषनाग लेक में वुलर लेक में आंचल लेक में या मानसभा लेक में तो वो कौन से लेक में मिल जाती है वुलर लेक में वुलर लेक एक ऑक्सबो लेक है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का ये सब चीज़ें मैंने कवर करी हुई हैं अब झेलम रिवर के बारे में थोड़ा बहुत आप देख लेते हैं जो झेलम रिवर है ना झेलम रिवर को डिफरेंट नाम से आपको पता बुलाते हैं जैसे इसका नाम वितास्था भी इसको कहते हैं वितास्ता कहते हैं हाइड्रस्पस भी कहते हैं हाइडस्पर्स भी कहते हैं इसको व्याथ रिवर भी या वेथ रिवर बोलो ये इसी को कहते हैं ठीक है ये कहां से ओरिजिनेट होती है ये वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट होती है वेरीनाग स्प्रिंग जो है वहां से ओरिजिनेट होती है और इसको लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर भी कहते हैं ठीक है देखिए कुछ चीजें झेलम रिवर के बारे में आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं सिंध नाला या नाला सिंध इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर तो जो सिंध नाला है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है झेलम की है चेनाब की है रावी की है या टोन्स की है ये टोन्स मैंने आपको कल बताया था ना ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने जब रिवर्स और लेक्स पर लगाया था तो टोन्स मैंने आपको बताया था ये किसी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि टोंस किसकी ट्रिब्यूटरी है ठीक है इंपॉर्टेंट है ये किसी एक इंपॉर्टेंट रिवर की ट्रिब्यूटरी है आपने बताना है टोन किसकी ट्रिब्यूटरी है ठीक है नेक्स्ट सिंध नाला की बात करें तो सिंध नाला कहां पर है सिंध नाला जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है सिंध नाला झेलम की ट्रिब्यूटरी है देखो झेलम की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन-कौन सी हैं जैसे सिंध नाला हो गया वेशव हो गया शुरू हो गया ठीक है ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये सारी झेलम की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, ये आपने याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं विच द फॉलोइंग रोड डैड पंच वाजा पुंछ वाजा सॉरी पंच नहीं है पुंछ है जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है क्वेश्चन में बोल रहे कि किसने ये कहा था कि पूंछ जो डिस्ट्रिक्ट है वो फेमस है ग्राफिक्स के लिए फाइन टी जिसको मसलूम कहते हैं या गुड हॉर्सेस के लिए ठीक है तो किसके लिए किसने कहा था इबन बतूता ने अल मसूदी ने ह्यून संघ ने या अल बरूनी ने तो ह्यून संघ ने अपने ट्रेवल रिकॉर्ड जिसने सिक्स थर्टी टू बी सी के अराउंड जो है जब वो इंडिया में विजिट कर रहा था उसने उसमें कहा था कि जो पूंछ है वो फेमस है किसके लिए ग्राफिक्स के लिए फाइन टी और गुड हार्सिस के लिए गुड हार्सिस राजा नर जो है यहाँ के पहले पूंछ के रूलर भी माने जाते हैं तो अब अभी हमने ये एक चीज और देखनी है पूंछ के लिए इंपॉर्टेंट देखो पूंछ जो है वो अभिसार रीजन का पार्ट था ठीक है एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है पहले रजौरी जो है वो भी इसके अंदर ही था पुंछ डिस्ट्रिक्ट में तो आपको ना कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की हिस्ट्री के बारे में पता जरूरी होना चाहिए ठीक है अब कंप्लीट हिस्ट्री आप एंशियट मेडिवल जो है वो जे की नहीं दे सकते अगर आपके पास कम टाइम है तो आप क्या करो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल साइट्स में जाओ चाहे वो रजौरी हो गया जम्मू हो गया पूंछ हो गया इन सब डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल साइट्स में जाओ और वहां पर जो डेटा है ना उसको सीधा सीधा पढ़ लो ये सीधा वहीं से डेटा उठाया था यह पूरी लाइन वहां पर टूरिज्म और पूंछ से उठाई थी पुंछ जो है वो फेमस है ग्राफिक्स फाइन टी और गुड हार्स के लिए अगर आपने ये चीजें देखी होती हैं तो आपको ऐसे पूरी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ ऑफिशियल डेटा से ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो आप इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन लोकेटेड इन द बुडगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो जो बुडगाम डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में उसमें इनमें से कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन लोकेटेड है पत्नी टॉप ये तो नहीं है भाई पत्नी टॉप तो जम्मू डिवीजन में आता है देन सोनामर्ग सोनामर्ग भी नहीं है मैंने आपको बताया सोनाम गांधरबल डिस्ट्रिक्ट

जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वही श्रीनगर एयरपोर्ट का नाम है गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अमृतसर में है देखो आपके सिलेबस में एक और चीज मेंशन है टूरिस्ट आ, वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तो आपको ना ये चीजें आनी चाहिए कौन सा इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट का क्या नाम है अब जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ से थे गुजरात से थे तो ये गुजरात में ही होगा थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हैं गोपीनाथ बरदौलिया वाला ये आई थिंक असम गुवाहाटी में है ये आप चेक कर लेना तो ये लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है गुवाहाटी एयरपोर्ट को बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं बगलीहार डैम इज बिल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन जेंट के तो जो बगलीहार डैम है वो कौन सी रिवर में है जम्मू कश्मीर की रावी में है चेनाब में है यमुना में है या झेलम में है ठीक है तो जो हमारा बगलीहार डैम है वो किस में है चेनाब रिवर में ठीक है अब चेनाब रिवर का एंशियन नेम आप देख सकते हो अस्किनी ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है और उसके बाद इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ चेनाब में चनाब का ओरिजिन होता है बारह लच्छा पास से ठीक है बारह लच्छा पास से ये कहाँ पर है ये लाहौल और स्पीति रीजन जो है ना लाहौल और स्पीति रीजन जो है हिमाचल प्रदेश का वहां से इसका ओरिजिनेशन देखा जाता है ठीक है ये दो पहले इसकी दो ब्रांच स्ट्रीम थी उनसे मिलकर ये बना है। कौन सी दो स्ट्रीम्स थी चंद्र और भागा इसलिए इसका नाम जो है चनाब का नाम चंद्रभागा भी है ठीक है तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है चनाब का नाम अस्किनी है तवी का क्या है ठीक है रावी का क्या नाम है देन झेलम का क्या नाम है एंशियट नेम क्या है इनके ये आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज फेमस फॉर मारखोर देखो मारखोर के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है ठीक है पहली बात तो मारखोर का साइंटिफिक नेम भी आपको पता होना चाहिए इसका साइंटिफिक नेम है कैपरा फलकुनोरी ठीक है अब ये कौन सा नेशनल पार्क इसके लिए फेमस है अंशी नेशनल पार्क रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क अनामुडी शोला नेशनल पार्क या काजीनाग नेशनल पार्क तो कौन सा है काजीनाग नेशनल पार्क काजीनाग नेशनल पार्क, पार्क बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है और ये मारखोर के लिए फेमस है आपने याद रखना इसको कब डिक्लेयर किया गया था एज नेशनल पार्क नाइनटीन में ठीक है तो ये याद रखना नाइनटीन नाइनटी और 1981 में ही जो है डिक्लेयर किए गए थे नेशनल पार्क्स हमारे जे के नेक्स्ट दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको राजपराण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं ये कहाँ पर लोकेटेड है बुडगाम अनंतनाग डोडा या शुपया तो ये कहां पर लोकेटेड है अनंतनाग देखो मैंने आपको अनंतनाग की इंपॉर्टेंट दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताई थी एक दक्षम जिसको राजपरायण वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी कहते हैं और एक ओवेरा आरू ठीक है ये दोनों कहां पर है अनंतनाग में और अवेरा आरू जो है ना वो लार्जेस्ट है अमंग ऑल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगर हम सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सबसे बड़ी कौन सी ओवेरा आरू अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क तो कौन सा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क ठीक है पहले जब लद्दाख भी पार्ट होता था तो हैमिस नेशनल पार्क बड़ा होता था तो अब उसका लद्दाख अलग हो गया तो अब कौन सा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपने याद रखना है विच ऑफ द फॉलोइंग द्रॉप इज रेफर टू एज निकू मुट इन जम्मू एंड कश्मीर निकू मुट किसको कहते हैं जम्मू और कश्मीर में ठीक है सोयाबीन को ज्वार को पीस को या ग्रीन ग्राम को तो बेसिकली ये सोयाबीन को रेफर किया जाता है निकू मुट आपने याद रखना है जम्मू और कश्मीर में सोयाबीन क्रॉप को कहते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं विच इज द सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन कश्मीर वाइ तो कश्मीर वैली में आपको पता है बहुत से मुगल गार्डन है शालीमार बाग हो गया निषाद बाग हो गया इसमें से हमें बताना है कि कौन सा गार्डन जो है जो सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है कश्मीर वैली में अब्दुल्ला गार्डन लोधी गार्डन निषाद गार्डन या हैंगिंग गार्डन तो कौन सा गार्डन है निषाद गार्डन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं ब्यूरी हार्डी ब्यूरी हार्डी इज अ वैरायटी ऑफ डैश फ्रूट कल्टिवेटिंग इन जम्मू कश्मीर देखो वैरायटीज पे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितनी फॉर्म है तो ब्यूरी हार्डी जो है वो किसकी वैरायटी है जो जम्मू कश्मीर में ग्रो होती है एप्पल की पियर की एप्रिकॉट की या चेरी की तो ये किसकी वैरायटी है पियर की ठीक है अब देखो दो इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं जो जम्मू कश्मीर में पियर की ग्रो होती है एक ब्यूरी हार्डियो दूसरी कौन सी है नाक कश्मीरी नाक कश्मीरी ये दो आपने नाम याद रखना है ये पियर के इसी तरह कई बार ना चेरी की भी पूछ लेता है किसी एग्जाम में चेरी की भी पूछ लेगा आप जो तो नहीं हर बार पियर ही पूछेगा एप्पल ही पूछेगा चेरी भी पूछ सकता है तो वो जे के में कौन से ग्रो होते हैं जैसे गिलास डबल नाम याद रख लो गिलास डबल गिलास सब में आ रहा है गिलास डबल उसके बाद गिलास अवल नंबर गिलास अवल नंबर उसके बाद जैसे गिलास मिश्री गिलास मिश्री ये तीन इंपॉर्टेंट क्या है चेरी की वेराइटीज हैं जो कहां पर ग्रो होती हैं जम्मू कश्मीर में पियर की भी बता दी एप्पल की भी बता दी सेफ्रॉन की भी बता दी तो यही इंपॉर्टेंट क्रॉप हैं जो जम्मू कश्मीर में इनका पूछ रहता है कि कौन सा इनका नेम है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हिमालयन तेहर फाउंड इन रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज डैश स्टेटस एज पर आयुशियन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशीज तो मैंने आपको इन्वॉर्मेंट वाले एमसीक्यूज में भी ये चीजें बताई थी कि आई रेड लिस्ट इशू करता है उसमें जो कैटेगरीज हैं सारी मैंने आपको एक्सप्लेन करती लिस्ट कंसर्न इनडेंजर कौन है किस में कौन आता है आज पूछा कि हिमालयन तहर जो है वो किसमें आता है ठीक है लीस्ट कंसर्न की लिस्ट लीस्ट, लीस्ट कंसर्न है इन है नियर थ्रेटन है या वल्रेबल है तो हिमालयन तहर जो है वो नियर थ्रेटन है ये आपको पता होना चाहिए जैसे इंपॉर्टेंट क्या है जैसे मारखोर ठीक है मारखोर मैंने अभी आपको बताया था ऊपर मारखोर जिसको कैप्रा फेल्कनोनी भी कहते हैं ठीक है मारखोर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ठीक है इसकी तो ये तो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन है बहुत इंडेंजर्ड है ठीक है उसके बाद हमारा हैंंगुल है ठीक है हैंगुल जो हमारा यूटी एनिमल है वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है स्नो लैपर्ड है स्नो स्नोर्ड क्या है Vulnerable है आपने याद रखना स्नो हमारा क्या है Vulnerable है है ठीक ये कुछ आप चीजें याद रख सकते हो तो कई बार ना क्या होता है कि ये पूछ लिया जाता है कि, कि किसी का आई स्टेटस क्या है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में उसको कौन से नंबर में डाला गया देखो ये क्वेश्चन आगे और ये इसके आंसर्स मैंने यहाँ पर डाल दिए ये ये जो पीडीएफ है इस लेक्चर की ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे ठीक है तो वहां पर आप इसको रिवाइज करने में आपको हेल्प मिलेगी ठीक है अगर आप हमारे चैनल में नए हैं अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं एक चीज में आपको जरूर एडवाइस करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या एमसीक्यूज हैं जो हमने वहां पर करवाए हुए हैं वो सेशन अभी आप जरूर देख लें आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है चाहे जेके एस के किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और भी जेके पी एस वगैरह तो आप हमारी लिस्ट में जा सकते हैं वहां पर जाके देखें आपके टॉपिक्स के रिलेटेड डिफरेंट कंटेंट पड़े होंगे आपके सिलेबस चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो वी और भी जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं सबसे रिलेटेड हमने जो है वहाँ पर मटीरियल डाला हो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर क्विज भी होता है डेली प्लस जितनी भी पी होती एफ हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन हम वहीं पर शेयर करते हैं Thank you so much for watching.